है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने चलाया सदस्यता अभियान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत दर्जनों लोगों ने ग्रहण की सदस्यता। गोवर्धन के गांव सकरवा में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बैनर तले गांव चलो सदस्यता अभियान सभा का मथुरा जिला अध्यक्ष रमेश सैनी व पदाधिकारियों का ब्रह्म स्वरूप सैनी पूर्व प्रधान के साथ मौजूद सरदारी ने माला पहनाकर स्वागत किया। वरिष्ठ नेता अमर सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंच पर मौजूद सभी अतिथियों ने फूले दंपति के चित्रपट पर मल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर पार्टी सुप्रीमो की विचारधारा को खुला समर्थन देते हुए अपने अपने विचार रखे। अभियान में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित दर्जनों ग्रामीणों ने सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के मथुरा जिलाध्यक्ष रमेश सैनी ने बताया कि सोमवार को गोवर्धन तहसील अंतर्गत जय बाबा इंटर कॉलेज गांव सकरवा में गांव चलो सदस्यता अभियान चलाया गया है। यहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र प्रसाद सैनी ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी के निर्देशानुसार गांव गांव जाकर लोगों को पार्टी की विचारधारा प्राथमिकताओं व नीतियों से अवगत कराया जा रहा है। पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी के मंत्र को लेकर जनता के बीच जाकर सदस्यता दिलवा रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। हाल में हुए पंचायत चुनावों में भाजपा की खुली गुंडागर्दी देखने को मिली है, जिससे साफ है कि भाजपा साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर किसी भी तरह से कुर्सी हथियाना चाहती है। भाजपा की सरकार में गरीबों, युवाओं, महिलाओं, पत्रकारों आदि पर हमले हो रहे हैं और सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर धड़ाधड़ मुकदमे लादे जा रहे हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। 100% आरक्षण लागू करेंगे, एक परिवार एक रोजगार देंगे, दलित पिछड़ों की सरकार बनाएंगे, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र सैनी ने बताया कि वह लोसपा सुप्रीमो राजकुमार सैनी की विचारधारा से बड़े ही प्रभावित हैं, जो कि उनकी बहुत कुछ अच्छाइयां उन्होंने नजदीक से देखी हैं, जिनके बारे में उन्होंने अपनी सरदारी को उनके बारे में बताया। तो एक सेवक के रूप में आज पार्टी की सदस्यता अपने तमाम दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ ग्रहण की है। पार्टी ने खतरे में पड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए एक सेना का रूप दिया है। पार्टी को आगे बढ़ाने व हाथ मजबूत करने के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। सर, जैसा कि आज यहाँ पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने यहाँ सदस्यता अभियान चालू किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे और इसका क्या उपलब्धियाँ रहेंगी आगे और जनता के लिए क्या लाभार्थ पैदा कर पाएगी ये पार्टी? देखिए, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो माननीय राजकुमार सैनी जी के निर्देशानुसार गांव चलो सदस्यता अभियान ये चलाया जा रहा है मथुरा जनपद में। लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि हमारी पार्टी क्या काम करेगी। जो आज की सरकार, भाजपा सरकार, जो आपने पूर्व जिला पंचायत चुनावों में देखा, पीडीसी के चुनावों में देखा, महिलाओं पे अत्याचार, युवाओं पे अत्याचार, खुली अराजकता का माहौल, गुंडागर्दी खुली हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसको लेकर के हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी अराजकता सरकार को उखाड़ने का काम करेगी। जैसा कि आज आपने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है, क्या सोच के आपने ग्रहण की है और क्या आप इसके पार्टी के लिए कर पाएंगे? देखिए सर, मैंने जो आज की सदस्यता ग्रहण की है वो हमारे ग्राम पंचायत सकरवा की सभी जो सरदारी है उन्हीं के मतानुसार उन लोगों से जो है विचार रख करके सदस्यता एक सेवक के लिए ग्रहण की है। रही पार्टी की बात, हमारे जो लोसपा के जो सुप्रीमो हैं माननीय राजकुमार सैनी, उनके जो विचार हैं, उनकी जो अच्छाइयां हैं जो मैंने नज़दीकी से देखी हैं,
जो उनके विचारों में देखा, मैंने उनके कर्मों में देखा, उनकी शब्दों में देखा, उन शब्दों से प्रभावित हुआ। और उनका जो कहना है हमारे सुप्रीमो राजकुमार सैनी जी का कि मैं चाहता हूँ कि लोकतंत्र आज अभी तक सुरक्षित नहीं है, उस लोकतंत्र की सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए पार्टी को एक जो है हम लोगों ने एक सेना का रूप दिया है और एक करणी सेना बना करके हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की सुरक्षा हो। तो इन विचारों से प्रभावित होते हुए मैंने लोसपा का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें सदस्यता ग्रहण की है और